जिला परिषद के स्थानीय निकाय संस्था चुनाव के भाजपा उम्मीदवार चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को अपना नामांकन भरा। इस दरमियान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस समेत भाजपा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए अपनी जीत का शत प्रतिशत दावा किया। उनका कहना था कि पार्टी नेताओं ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उस पर खरा उतरते हुए मैं नागपुर, विदर्भ और महाराष्ट्र की समस्याओं के साथ न्याय करूंगा और पटल के समक्ष जनता की समस्याओं को रखूंगा। वहीं इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का भी इस वक्त आभार माना। विधान परिषद नागपुर के लिए टिकट दिया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित भाई शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे सभी के नेता नितिन गडकरी जी, हमारे महाराष्ट्र के लोक नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, चंद्रकांत दादा जी, महाराष्ट्र पार्लियामेंट्री बोर्ड, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के सारे सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे जो जवाबदारी मिली है विधान परिषद में काम करने की, महाराष्ट्र की समस्याएँ, विदर्भ की समस्याएँ, नागपुर की समस्याओं को महाराष्ट्र विधानमंडल में उठाने का प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से जो विश्वास पार्टी ने मुझे पर दिया है वो पूरा करूंगा। पत्रकारों से बात करते हुए विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चंद्रशेखर बावनकुले ने बतौर मंत्री अच्छा काम किया है। उनके काम की सराहना करते हुए उन्होंने बावनकुले पर अपना विश्वास भी जताया। अतिशय आम्हाला आनंद आहे की चंद्रशेखर बावनकुले सारखा आमचा एक सहकारी हा पुन्हा एकदा विधानमंडळामध्ये येतोय। त्यांनी मंत्री म्हणून अतिशय उत्तम काम केलं आणि एक जागरूक लोकप्रतिनिधी कसा असतो हे देखील त्यांनी दाखवून दिलं आणि गेल्या 2 वर्षांमध्ये पक्षाचे महामंत्री म्हणून अतिशय चांगलं काम हे चंद्रशेखर बावनकुळेंनी केलं आणि मला असं वाटतं की आज त्या कामाची पावतीच त्यांना मिळालेली आहे आणि मला विश्वास आहे आमचे नेते माननीय नितीनजी गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही एक अभूतपूर्व विजय हा या ठिकाणी प्राप्त करू। आमचे ज्याप्रमाणे आपण विचारलं विनोदजी तावळे यांना राष्ट्रीय महामंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे हे अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। महाराष्ट्राकरता आणि महाराष्ट्र भाजपकरता ही अतिशय अभिमानाची बाब आहे, कारण मला असं वाटतं प्रमोदजी, गोपीनाथजी याच्यानंतर पहिल्यांदाच महाराष्ट्राला राष्ट्रीय महामंत्री पदाचा एक मान मिळालेला आहे। बता दें कि विधान परिषद के स्थानीय निकाय संस्था चुनाव के भाजपा उम्मीदवार चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को अपना नामांकन भरा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके, महापौर दयाशंकर तिवारी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज नागपुर।